मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को गोरखपुर से रिश्ते को लेकर भावुक हो गए। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरजीत सिंह बरनाला का उदाहरण देते हुए कहा कि पहले यहां की पहचान माफिया हुआ करते थे, मैंने निश्चय किया कि गोरखपुर की पहचान अब माफियाओं से नहीं रहेगी। यहां के माफिया अपराधी अब जेल की शोभा बढ़ा रहे हैं। महिलाएँ अब अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं और रात को भी निर्भीक होकर घूम सकती हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को गोरखपुर के एक क्लब में आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत में वैक्सीन निर्माण के 50 से 60 साल बाद आती थी। कोरोना महामारी में 1.5 से 2 साल के अंदर भारत में 2-2 वैक्सीन बन गई और 100% लोगों को पहले डोज लग चुकी है। आज जितनी भी केंद्रीय योजनाएं हैं उसमें से अधिकांशता उत्तर प्रदेश या तो 1 नंबर पर है या तो 2 नंबर पर है। सपा की सरकार में पूरे प्रदेश में गरीबों के लिए केवल 18,000 आवास उपलब्ध हुए थे, लेकिन वहीं केवल गोरखपुर महानगर में ही 5 वर्ष में 32,000 आवास दिए जा चुके हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि यह चुनाव क्षेत्रवाद, जातिवाद, वंशवाद का नहीं अपितु राष्ट्रवाद का है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए रविंद्र श्रीवास्तव जुगानी भाई ने कहा कि प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। स्वागत भाषण IMA के पूर्व अध्यक्ष डॉ. पी. त्रिपाठी व संचालन मनकेश्वर नाथ पांडे ने किया। आभार ज्ञापन गीता प्रेस के प्रबंधक लालमणि तिवारी ने किया। सम्मेलन में राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, डॉ. शिव शंकर शाही अध्यक्ष IMA, दैनिक जागरण के पूर्व संपादक सुजीत पांडे, प्रोफेसर श्रीमती विनोद सोलंकी, प्रोफेसर सदानंद गुप्त, कार्यकारिणी अध्यक्ष उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान आदि उपस्थित रहे। पृथ्वी के नीचे 7 पुलिया है और ऊपर भी बीच में ब्रह्मांड है जो पृथ्वी है और इस पूरी पृथ्वी आपको अगर दे दिया जगह कहाँ रहना चाहते हैं, कोई अमेरिका, कोई ईरान। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा। अध्यक्ष हैं, मंच पर हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। उठाया फरवरी 1922 को प्रारंभ हुआ था देश के आजादी की लड़ाई को और उस पदे का स्वागत करें। अकेडमी श्री अजय शाही जी हमारे बीच में है, सिविल कोर बार एसोसिएशन के उनसे गोरखपुर के सभी उपस्थित प्रबुद्ध जन और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप सबका आभारी हूं कि आप सबने आज के इस प्रबुद्ध जनों का यह सम्मेलन गोरखपुर में आयोजित किया है। और जैसे कि यहाँ पर हमारे संचालक महोदय अपने उद्बोधन में पहले कह ही रहे थे, क्या चोरी चोरा के ऐतिहासिक घटना का 100वां वर्ष भी है। ठीक 100 वर्ष पहले आज के दिन अंग्रेजों की क्रूर और बर्बर सत्ता को काट फेंकने के लिए गोरखपुर के किसानों ने, श्रमिकों ने, युवाओं ने विदेशी हुकूमत के खिलाफ देश की आजादी के लिए चोरी चोरा की घटना को गोरखपुर जनपद के अंदर ही अंजाम देकर के देश की आजादी की लड़ाई की दिशा क्या होगी यह तय कर दिया था। और उसके मात्र 25 वर्ष के अंदर ही हमारा देश स्वतंत्र भी हो गया था। मैं इस अवसर पर उन सभी हुतात्माओं को जो चोरी चोरा घटना के बाद शहीद हुए या जिन्हें फांसी की सजा दी गई, उन सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को आज के इस अवसर पर कोटि कोटि नमन करता हूं और उन सबको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। आज मुझे गोरखपुर से
हमारी पार्टी ने नामांकन करने का अवसर दिया कि मैं गोरखपुर नगर से विधायक के रूप में अपना नामांकन भी करूं और मुझे इसी बहाने आप सबके साथ संवाद बनाने के लिए अवसर भी आज प्राप्त हो गया। अन्यथा इस समय मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी क्षेत्र में होता। मैं 15 जनवरी को गोरखपुर से दोपहर में निकला था और इस दौरान उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में प्रचार कार्यक्रम के साथ जुड़ा हुआ था। मैं धन्यवाद दूंगा कि प्रबुद्ध जनों के साथ आज मुझे यहाँ पर संवाद बनाने का यह अवसर प्राप्त हो रहा है। गोरखपुर न मेरे लिए नया है और न मैं आपके लिए नया हूं। क्योंकि गोरखपुर में मैंने बहुत कुछ सीखा है, जाना है। धर्म और अध्यात्म के साथ साथ व्यावहारिक जीवन में कर्म के माध्यम से कैसे परिवर्तन लाया जाना चाहिए और सब मैंने गोरखपुर की गलियों में, गोरखपुर के सड़कों पर, गोरखपुर के बुजुर्गों के सानिध्य में, युवा साथियों के साथ और अपने आने वाली पीढ़ी के समर्थन के साथ इस पूरे अभियान को एक नई ऊंचाई तक पहुंचते हुए देखा है। और गोरखपुर के इस मॉडल ने उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदला है, उत्तर प्रदेश की परसेप्शन को देश और दुनिया के अंदर बदला है। मुझे भी बुरा लगता था जब मैं पहली बार सांसद बना था, जब मैं उस समय के उर्वरक और रसायन मंत्री के पास गया था 1998 में कि गोरखपुर का खाद कारखाना चलना चाहिए। देखिए 1998 की बात है, तो उन्होंने मुझे देखा और देख करके फिर चुप हो गए। मैंने उनसे फिर गांव पंजाब के थे सरदार सुरजीत सिंह बरनाला, तो बाद में कई वर्षों तक तमिलनाडु के राज्यपाल भी रहे। मैंने फिर उनसे कहा, मैंने कभी मैं गोरखपुर के खाद कारखाना को चलाने के लिए आया हूं, आपने कुछ मुझे बताया नहीं। उन्होंने फिर मुझे देखा, फिर वो चुपचाप कर बैठ गए। लगभग आधे घंटे तक एक क्रम चलता रहा। अंत में मुझे लगा कि भाई लगता है मेरी बात को गंभीरता से नहीं सोच बोल रहे, तो मैंने कहा ठीक है मैं चलता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो ये सोच रहा हूँ, इतनी देर से समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या गोरखपुर से सांसद चुने गए हैं। गोरखपुर से सांसद हूँ और गोरखपुर के फर्टिलाइजर कारखाने की समस्या को लेकर आपके पास आया हूँ, और आधे घंटे से आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं गोरखपुर से सांसद चुना गया हूँ। उन्होंने कहा देखिए योगी जी, आप नाराज मत हो ना, लेकिन आपके गुरुजी से मेरा बहुत अच्छा परिचय है और मैं उनके सानिध्य में कार सेवा के साथ जुड़ा रहा हूँ। जब स्वर्ण मंदिर के कार्यक्रम के साथ एक बार कार सेवा प्रारंभ हुई थी, तो उस समय। लेकिन आप गोरखपुर से कैसे सांसद चुने गए? मैंने कहा गोरखपुर की जनता से आपको पूछना चाहिए। कहा नहीं नहीं, मेरा आशय ये नहीं है, मेरा आशय है कि आपकी उम्र अभी छोटी है, आप दुबले पतले हैं, और सच्चाई ये है कि मैं गोरखपुर में आज से 25-30 साल पहले गया था और चुनावी सभा में गया था। जैसे ही मैं गया, जैसे मंच में गया, तब तक बम चलने लग गया। मैं तब से गोरखपुर नहीं गया, मैं तब से गोरखपुर ही नहीं गया। आके मुझे बताइए कि आपकी चुनावी सभा में कितने बम फेंके गए और आप लोगों ने कितने बम फेंके। मैंने कहा भाई गोरखपुर में ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन मैं वापस आया, मैंने अपना पत्र वापस लिया और मैं वापस आया और मुझे सचमुच ये लगा कि क्या गोरखपुर की छवि ऐसी है, क्योंकि छवि केवल गोरखपुर की नहीं होती, ये केवल मेरे लिए नहीं था, ये गोरखपुर के उन लाखों नौ युवकों के लिए जिनको अपने एक अच्छे कैरियर के साथ
गोरखपुर के बाहर प्रदेश में, देश में, दुनिया में कहीं जाना है, उनके भविष्य का प्रश्न था। तो मैं यहां आया था, मैं यहां के सामाजिक संगठनों के साथ बैठा, व्यापारिक संगठनों के साथ बैठा, और मैंने कहा यार देखो, मैं तो ये सुनता था कि हमें दुर्जनों की दुर्जनता से उतनी चिंता नहीं करनी चाहिए जितनी कि सज्जनों की मौन से जो खतरा होता है। और ये हम लोगों को दिखाई देता है, जब कोई घटना होती है हम सब उसको ये मान के चल देते हैं कि उसकी उसका मामला है, हमारा उससे कोई मतलब नहीं। आखिर ये चौराहे चौराहे पर वसूली, ये गुंडा टैक्स, ये अपराध कब तक हमारी पहचान बनी रहेगी? क्या हमें इसे बदलना नहीं चाहिए? क्या हमें इसके खिलाफ आवाज नहीं उठानी चाहिए? क्या हमें सरकारों की मनमानी पन के खिलाफ आवाज नहीं उठानी चाहिए? सरकार का मतलब ये नहीं होता है कि वो चेहरा देख करके योजनाओं को बंदरबांट करे। सरकार का मतलब समस्या नहीं होती है। और मैंने वहां से हम लोगों ने किया, अपराध की समस्या हो, यहां के संस्थानों की समस्या हो, इंसेफ्लाइटिस के उन्मूलन की बात हो, या फिर यहां के विकास से जुड़ी हुई मुद्दों को लेकर के सड़क से सदन तक उस आवाज को प्रखरता के साथ उठाने की बात, या अपनी सामर्थ्य के साथ उस पर पहल करने की बात, ये जो कुछ भी मैंने सीखा गोरखपुर के अंदर सीखा, गोरखपुर के अंदर जाना, यहां के अलग अलग तबके के साथ मिलकर के उसको एक धार दी, और धार देने के बाद फिर उसको एक परिणाम तक पहुंचाने का कार्य किया। आज जब मैं आप सबसे संवाद बना रहा हूं तो मैं मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर याद करिए सुरजीत सिंह बरनाला जी की वो बात, और जब मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया तब भी मैं संसद में गया था, मैंने अपने अंतिम भाषण में संसद में भी यही बात कही थी। मैंने कहा मुझे उस समय बुरा लगा था जब गोरखपुर के बारे में लोगों ने टिप्पणी की थी, और तब मैंने कहा था कि गोरखपुर में आगे से अपराध नहीं होने देंगे, गोरखपुर में कोई ऐसी घटना नहीं होने देंगे नौजवानों के सामने। और मैंने कहा गोरखपुर हमारी सरकार रही हो न रही हो, लेकिन गोरखपुर अपराध मुक्त था, और हम उत्तर प्रदेश को भी ऐसा ही बनाएंगे। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं, और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश संसद के मंच पर जो बात मैंने कही थी आज उत्तर प्रदेश में अक्सर सोवा साबित होता है। देखिए गोरखपुर इससे बहुत पहले मुक्त हो चुका है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी? कोई बेटी स्कूल नहीं जा पाती थी, कोई महिला बाजार नहीं जा पाती थी, कोई पशुपालक अपने पशुओं को घर में अगर कोई रखवाली नहीं कर रहा है, कोई मजबूत सुरक्षा की उसके सामने कोई व्यवस्था नहीं है, वह नहीं रख सकता था। व्यापारी सूर्यास्त के बाद अपने लिए चिंतित होता था, किराना जैसे कस्बों में संसद 60% व्यापारी प्लान कर चुके थे, भाग गए थे। और आज जब 5 वर्ष का कार्यकाल हमारी सरकार पूरा कर रही है, किराना में सभी व्यापारी वापस आ चुके हैं, वहां बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं, पेट्रोल पंप लग रहे हैं, और एक बेहतर वातावरण वहां पर प्राप्त हुआ है, हर बेटी स्कूल जा रही है। आप YouTube के तमाम चैनल ऐसे हैं या तमाम ऐसे चैनल हैं जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। आप मान करके चलिए कि अगर बहुत कोई किसी पार्टी से उसका जुड़ाव नहीं, निष्पक्ष है, किसी भी महिला से पूछिए, किसी भी बेटी से आप पश्चिम में जाके पूछिए,
यहां तक कि जो लोग हमारे खिलाफ आंदोलन भी कर रहे हैं उनके परिवार की महिलाओं से पूछे किसको वोट देंगे, वो कहेंगे कि भाजपा को। पूछते हैं क्यों, तो वो एक ही बात कहती है, इसलिए क्योंकि सुरक्षा तो भाजपा ही देती है और इसीलिए सुरक्षा दी है। एक ही बात उनके मन में, किसी सेवा पूछ लीजिए और इस सुरक्षा कैसे मिलनी चाहिए वो मैंने गोरखपुर में सीखा। दूसरा, कोरोना प्रबंधन आपने देखा होगा, 25 करोड़ की आबादी का राज्य है। मुझे याद है जिस दिन 22 मार्च 2020 को देश के अंदर कोरोना कर्फ्यू था, शाम को प्रधानमंत्री जी ने थाली पीटने और ताली पीटने का एक आयोजन करवाया था हर एक घर में, और भारत की इस नकल को दुनिया के तमाम देशों में बाद में अपने उतारने का प्रयास किया था। भारत का कोविड प्रबंधन दुनिया के अंदर बेहतरीन माना गया। 135 करोड़ की आबादी का भारत इस सदी की सबसे बड़ी महामारी में कैसे सुरक्षित हुआ, हम सबके सामने है। प्रधानमंत्री मोदी जी का सानिध्य, एक अभिभावक के रूप में उन्होंने एक एक चीज पर पैनी निकाल रखी, और पहली बार हुआ किसी महामारी में भारत जैसे देश में वैक्सीन बन जाए। वैक्सीन बहुत दूर की बात थी, वैक्सीन भारत में कब आती थी, यानी इंसेफ्लाइटिस का वैक्सीन दुनिया में कब बन गया था, 1949 में, और भारत में कब आई, तमाम आंदोलन के बाद 2005 में, 55 वर्ष के बाद, 56 वर्ष के बाद हमें वैक्सीन मिली। लेकिन पहली बार किसी महामारी में 9 महीने के अंदर नया वैक्सीन बन जा रहे, एक नहीं दो दो वैक्सीन बन जा, दुनिया का सबसे प्रभावी उत्तर प्रदेश के अंदर पहली डोज सभी लोगों ने ले ली है और दूसरी डोज लेने वाले लोगों की संख्या 70% से ऊपर है। जो लोग वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे उनकी स्थिति अब आप देख सकते हैं। अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भाई 100% लोग तो ये एक तरफ है। जब उससे पूछा चुनाव में क्या मुकाबला रहेगा, मैंने कहा यार देखो कुछ भी हो ये तो एक तरफा होगा, लेकिन अगर आप एवरेज भी ले लेंगे तो भी 80-20 का तो होना ही। सबको वैक्सीन, फ्री में वैक्सीन, कोई चेहरा देख करके योजना ही नहीं बन रही है, हर जरूरतमंद को दी जा रही है। कोरोना प्रबंधन में उत्तर प्रदेश किस तेजी के साथ आगे बढ़ा, 22 मार्च 2020 को जब कोरोना कर्फ्यू था तो मेरे पास शाम को जैसे कार्यक्रम संपन्न हुआ तो सबसे पहले उपराष्ट्रपति जी का फोन आता है। उपराष्ट्रपति जी ने कहा योगी जी हम चिंतित हैं यूपी को कैसे बचाएंगे। मैंने कहा चिंता का विषय है क्योंकि मैंने सुना है कोरोना में बहुत संक्रमण है। उन्होंने कहा हम इसी बात पे, इतनी घनी आबादी का राज्य कैसे बचेगा, पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, अनटेन मैन पावर कैसे होगा। राष्ट्रपति जी का फोन जैसे मैंने रखा कुछ ही मिनटों के बाद फिर राष्ट्रपति जी का फोन आ गया, कहा योगी जी हम योगी से बहुत चिंतित हैं, क्या होगा योगी का, एक बार तो मैं भी चिंतित हुआ है, क्या कोरोना इतना भयानक है कि हम इसको फेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं मुझे जवाब देना चाहिए, मैंने उनको कहा, मैंने कहा देश के अंदर सबसे बेहतर परिणाम देने का प्रयास करेंगे और हम लोग करेंगे, और मुझे लगता है मैंने बोल तो दिया। 25 से लॉकडाउन लग गया, 25 को जब मैं अयोध्या में पहले राम जन्मभूमि मैं रामलला को नए मंदिर में विराजमान करके फिर मैं लखनऊ गया, लखनऊ में एक बैठक ली,
बैठक लेने के बाद मैंने अपनी टीम से पूछा, मैंने कहा मुझे एक बात बताओ कि हम कैसे इस कार्यक्रम को करेंगे। किसी व्यक्ति को जानकारी नहीं थी क्या है इसका, किसी को नहीं। उन्होंने कहा साहब हम भी स्वयं नहीं जानते क्या बीमारी है, हम इसके बारे में पूरी डिटेल एकत्र करते हैं फिर बातचीत कर लेते हैं। मैंने कहा एक काम करो, अब तक हमें 3 साल हो चुके हैं, हमने पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस के उन्मूलन में काफी सफलता प्राप्त की है, हमने रोग को 75% से 80% तक नियंत्रित किया और मौत के आंकड़ों को 90% तक नियंत्रित किया है, हमें उसको भी एक स्टडी करनी चाहिए और उसको अपने पास रखें, वो हमारा मॉडल है और फिर आवश्यकता पड़ेगी तो उस मॉडल का हम इस्तेमाल करेंगे, वो अभी किसी के पास नहीं है, ये हमारे पास है, हमारी टीम ने किया है। तो एक टीम को मैंने उस पर लगाया, एक टीम को मैंने दुनिया के अंदर कोरोना के उस पर लगाया कि कहाँ क्या स्थिति है, कैसे हो रहा है, क्या है, किसी के पास कोई जानकारी नहीं थी, कहीं भी नहीं थी। मैंने पूछा भी कितना इसमें टेस्ट होता है, क्या होता है, उन्होंने कहा सर टेस्ट की कोई सुविधा हमारे पास नहीं है। मैं कहा पेशेंट कोई आएगा कहाँ जाएगा, कहा सा हमारे पास कोई बेड्स भी नहीं है। फिर मैंने प्रदेश के अंदर हर जनपद में फोन करके पूछा, मैंने कहा आपके पास कितने आईसीयू बेड है, 36 जिले ऐसे थे जिसमें एक भी आईसीयू बेड नहीं था और कहीं भी कोई तैयारी नहीं थी। फिर मैंने 3 बड़े संस्थान लखनऊ के KGMU SGPGI और RML के डायरेक्टर और VC को बुलाया, मैंने कहा एक काम करो, कोरोना आता है तो इसकी टेस्ट की सुविधा कहां होगी। उन्होंने कहा सब कर तो देंगे लेकिन इसमें बायो सेफ्टी की लैब बनानी पड़ेगी, इसमें बायो वेस्ट जो होगा इसके डिस्पोजल की व्यवस्था देनी पड़ेगी क्योंकि इसमें बहुत तीव्र संक्रमण है और इसमें समय लगेगा। हमने कहा समय नहीं, आप काम प्रारंभ करिए। आप सोचिए कि हम लोगों ने मार्च के अंत तक जिस प्रदेश में, यानी मार्च के प्रारंभ में हमारे पास एक भी टेस्ट की क्षमता नहीं थी, हम धीरे धीरे करके उसको मार्च के अंत तक पहले जो लैब बनाई 73 टेस्ट हमारे पास हो पाते हैं और आज मैं कह सकता हूं हमारे पास 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता है, हर जिले में पर्याप्त मात्रा में बेड्स हैं, सब कुछ हम यहां पे बना रहे हैं, सैनिटाइजर हम लोग 27 राज्यों को दिए हैं, 27 राज्यों को 26.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोजेस दे चुके हैं, 100% लोग वैक्सीन ले चुके हैं यूपी में फर्स्ट डोज को, सेकंड डोज 70% से अधिक लोग ले चुके हैं और सफलतापूर्वक फर्स्ट और सेकंड वेव को कंट्रोल करने के बाद थर्ड वेव भी हमारे यहाँ अगले 1 सप्ताह के अंदर पूरी तरह नियंत्रित हो जाएगी। कोरोना का कोई भय नहीं आज के दिन पर, ये जो मॉडल इंसेफ्लाइटिस का जो मॉडल था इसने हमें बहुत सहायता की, बहुत सहायता की। हमारा दस्तक अभियान, निगरानी समितियां, स्वच्छता सैनिटाइजेशन का कार्यक्रम, ये मॉडल ये भी मैंने गोरखपुर में सीखा, गोरखपुर में जाना, गोरखपुर के लोगों के साथ मिल करके आंदोलन के फलस्वरूप जो कुछ प्राप्त हो सकता था आज तो गोरखपुर में सब कुछ है। बिहारी मेडिकल कॉलेज में बाल संस्थान भी है, सुपर स्पेशलिटी का ब्लॉक भी बन गया है, एम्स भी आ गया है, गोरखपुर महानगर में 4 विश्वविद्यालय वर्तमान में गोरखपुर के लोगों को प्राप्त हो चुके हैं, रामगढ़ताल पर्यटन के केंद्र के रूप में विकसित हुआ है, नया जू मिला है, वाकर स्पोर्ट्स का एक नया सेंटर मिल गया है, अत्याधुनिक प्रेक्षागृह भी मिल चुका है, बहुत कुछ मिल चुका है, आवागमन के साधन बढ़े हैं, एक बेहतरीन वातावरण देने का कार्य किया, कुछ न कुछ नया परिवर्तन हुआ है, एयर कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। 2017 के पहले गोरखपुर कोई आना नहीं चाहता था और आज हम लोगों को कहना पड़ता है फ्लाइट के लिए लोग आते हैं, लाइन लगाए हैं, बस एक बार थोड़ा फोन कर देते कि हम भी गोरखपुर को जोड़ना चाहते हैं, हम कहते हैं यार देखो गोरखपुर में अभी बहुत ज्यादा भीड़ है, आप कुशीनगर से जोड़ लीजिए,
कह देंगे गोरखपुर हम गोरखपुर के साथ जोड़ना चाहते हैं। आज बोर्ड लगे हैं और नहीं तो जब पहली फ्लाइट मुझे चलानी थी इतनी मशक्कत करनी पड़ी थी। जिसके पास जाता था वो कहता था हम गोरखपुर कैसे चलाएंगे, गोरखपुर में सवारी नहीं है, गोरखपुर में माहौल नहीं है, गोरखपुर में विकास के बारे में लोग नहीं सोचते हैं। और आज हर व्यक्ति थोड़ लगी है, 14 फ्लाइट गोरखपुर में चल रही वर्तमान में और अभी मुझे लगता है कि कई जगह से प्रस्ताव है हम भी गोरखपुर को जोड़ना चाहते हैं, हम भी गोरखपुर को जोड़ना चाहते हैं। माहौल हमें देना पड़ेगा और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका लाभ गोरखपुर के बारे में आज से 15-20 साल पहले हम कहीं जाते थे देश के अंदर हेत इससे देखे जाते थे क्योंकि लोगों का मान्यता क्या था गोरखपुर बाप रे अपराध अपराध के रूप में हमारी पहचान थी, अपराध की नगरी के रूप में हमारी पहचान थी। गोरखनाथ मंदिर और गीता प्रेस छूट गए थे, यहां के माफिया और अपराधी गोरखपुर के नाम पर कलंक बन चुके थे, गोरखपुर को उसके नाम से जाना जाने लग गया था। आज मैं कह सकता हूं कि देश और दुनिया में कहीं भी जाएंगे अगर गोरखपुर के नाम से आप जाएंगे तो हर व्यक्ति सम्मान के साथ आपको उठाएगा। एक सम्मान और उस सम्मान का हकदार गोरखपुर का हर नागरिक था। बीच के कालखंड में वह एक अंधकार का युग लाने का प्रयास किया गया था लेकिन उससे उभर करके फिर से एक नए जीवन के साथ आगे बढ़ने के लिए जो एक अंतःकरण की वेदना थी वह फिर से आगे आई है और आज गोरखपुर उस दिशा में आगे बढ़ा है। हमारे वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ आने वाली भावी पीढ़ी के सामने पहचान का संकट समाप्त हुआ, उस पहचान के संकट से उभरे हैं। विकास अपनी जगह है, कम या ज्यादा में होता है कोई फिर भी उतना वो नहीं आवश्यकता है, नहीं होता था तब भी हम लोग जीते थे, हुआ है तब भी जी रहे हैं, अच्छा बुरा जो भी है लेकिन गोरखपुर के बाहर जाने पे पहचान का जो संकट था उस पहचान के संकट से आज मुक्ति मिली है। कहीं जाएंगे लोग सम्मान के साथ नाम लेंगे गोरखपुर वासियों का और गोरखपुर के वह एक बड़ी बात। दूसरा रोजगार की संभावनाएं विकसित हुई है। मैंने कहा ना एयर कनेक्टिविटी के लिए आज हर एयरलाइंस तैयार है गोरखपुर को जोड़ने के, हर सिटी अपने को गोरखपुर के साथ जोड़ने के लिए तैयार है। अब सोचिए कोई सोचता था कि हैदराबाद और बेंगलुरु के लिए यहां की फ्लाइट चलेगी, मुंबई और कोलकाता से जुड़ेगी, दिल्ली तो खैर हमारा एक सामान्य स्थल था। हर वह सिटी गोरखपुर के साथ जुड़ना चाहती है जहां पर हम कल्पना भी नहीं करते और दुनिया भी जुड़ने को तैयार है, दुनिया भी उसके साथ जुड़ना चाहती है। बहुत कुछ बदला है, सुरक्षा का वातावरण मिला है, विकास की योजनाएं मिली है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं की स्थिति क्या है, मेरी पूर्ववर्ती जो सरकार थी उसने प्रदेश में कितने मकान दिए, 18,000 मकान स्वीकृत किए थे, 5 साल में कितना, 18,000 और हमने अकेले गोरखपुर महानगर में 32,000 गरीबों को एक गोरखपुर महानगर में 32,000 जिले के अंदर जोड़ूंगा ये संख्या 1 लाख से ज्यादा पहुंचती है और पूरे प्रदेश के अंदर अगर मैं जोड़ूंगा तो 5 साल में 45,50,000 से अधिक गरीबों को दिया गया। कहां जाता था ये पैसा, सरकार तो वही है, तंत्र वही है, प्रदेश वही है, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल का चेहरा बदला है, बाकी सब वही है, अपराध गायब हो गया, जो माफिया पहले सत्ता का संचालन करते थे आज जेल की शोभा बढ़ा रहे हैं। विकास का पैसा पता ही नहीं लगता था कहां चला गया है, कोई पता नहीं था, प्रदेश वही है भाइयों बहनों, ये वही पैसा है जो आज इत्र वाले मित्र के यहां मिल रहा है और लोग कितनी जल्दी अपनी मित्रता को भूल जाते हैं, कहते हैं इत्र वाले मित्र से मेरी कोई पहचान ही नहीं है, जब उनको फोटो दिखाया गया कि यूरोप की यात्रा में तो आप ही के परिवार के साथ गए थे
रुपया था। फिर कहते हैं तो जान बुझ करके फंसाया गया। मैंने कहा भी नहीं, देखो हमने कुछ चीजें यहां पूछी है, हमारा शास्त्र क्या कहता था कि शस्त्रेण नचते राष्ट्रीय शास्त्र चिंता पर बैठते हैं, एक हाथ में शस्त्र होगा एक में शास्त्र होगा। तो मैंने कहा हमने भी तय किया, एक हाथ में विकास होगा एक में बुलडोजर होगा। लेकिन ये चीजें चलनी चाहिए, अनवरत यात्रा बनी रहनी चाहिए। और इसलिए ये पहचान हमें अनवरत रूप से आगे बढ़ाना चाहिए, विकास की प्रक्रिया बढ़नी चाहिए, क्योंकि यही अंततः खुशहाली लेके आएगा। आस्था का सम्मान ऐसे ही होना चाहिए। पहले होता क्या था, सेफई महोत्सव, आपने देखा होगा सेफई महोत्सव के बारे में आयोजकों को नहीं पता था कि महोत्सव का मतलब क्या है। सरकारी पैसे को उड़ाओ, क्योंकि सरकार का मतलब उनका क्या होता था कि सरकार का मतलब उनकी पपोती, इस सरकारी पैसे का मतलब इसको जितनी खिजुल खर्ची में खर्च कर दो, कोई जवाबदेही नहीं होता था ना। एक ऐसा महोत्सव जिसमें न राग था न रंग था न भाव थी न भाषा थी, आयोजक को कुछ भी पता नहीं था कि इसका मतलब क्या है। समझो उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जो 1947-1950 में अपनी स्थापना के बाद से लेकर के 2017 तक अपनी स्थापना दिवस के बारे में नहीं जानता था, कब स्थापना हुई, किन परिस्थितियों में भी हमारा राज चिन्ह किया है, क्यों हम इसको आयोजित नहीं करते हैं, कोई मतलब नहीं, फुर्सत ही नहीं थी। महोत्सव का मतलब केवल सिपाही महोत्सव हो जाता था, लेकिन हम लोगों ने इस धारणा को बदली। हमने कहा महोत्सव बनेगा तो उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस का मनाया जाएगा, और स्थापना दिवस के अंदर कुछ ऐसी चीजें हम हवा से देंगे, उत्तर प्रदेश को वह पहचान देगी। आज आपने देखा होगा हमारी परंपरागत उद्यम में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना देश के अंदर एक ब्रांड बनी है। आत्मनिर्भर भारत की प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना को ये योजना लागू करती है, और यूनियन बजट में भी अब उसको स्थान प्राप्त हुआ है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना को लागू करने के बाद उत्तर प्रदेश का जो एक्सपोर्ट है 1,21,000 करोड़ रुपए का बढ़ा है सालाना। किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था और देश की अर्थव्यवस्था में किसी भी राज्य का एक्सपोर्ट हब के रूप में स्थापित होना उस राज्य की उपलब्धि होती है। उत्तर प्रदेश के पास उपलब्धि आज के दिन पर है। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य इस दिशा में कदम बढ़ा रहा है, हम देश को देते हैं। पहले उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार की योजनाओं में फर्स्ट महत्व में पिछड़ी रहता था, 15, 26, 35, 30 या 36वें स्थान पर। आज मैं कह सकता हूं देश के अंदर केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश उसमें या तो नंबर एक पर है या नंबर दो है पूरे देश के अंदर, और सब में उत्तर प्रदेश ने कुछ नया करके दिखाया है। भारत माता की, कुछ नया करके दिखाया है। सत्ता प्रतिष्ठा प्राप्त करने का माध्यम नहीं हो सकता है, इसको एक परीक्षा के रूप में देकर के जिन लोगों के लिए योजनाएं हैं उनके चेहरे पर खुशहाली लाना और उनके जीवन में तिरंगा ला देना, ये तो उसका माध्यम होगा। और सरकार ने वही काम प्रारंभ किया, वही तो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर किया। आज जो परिवर्तन दिखाई देता है उस परिवर्तन का परिणाम है, जो लोग 18,000 गरीबों को मकान नहीं दे पाते थे वही प्रदेश 45,50,000 से अधिक लोगों को एक एक मकान देकर उनके चेहरे पर खुशहाली ला देता। जिस प्रदेश
उस प्रदेश में 24 घंटे बिजली सप्लाई कर दी जा रही है। ऐसा नहीं कि केवल गोरखपुर को दे रहे हैं, पूरे प्रदेश में दे रहे हैं। जहां बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करती थी, वे बेटी आज स्कूल जा रही है। जो व्यापारी प्लान करता था, वह व्यापारी आज फिर से वापस आकर के अपना व्यापार कर रहा है, और व्यापारी के व्यापार से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी पुष्ट कर रहा है। क्योंकि व्यापारी केवल अपने लिए नहीं कमाता, एक उद्यमी केवल अपने लिए नहीं कमाता, वो रोजगार भी देता है और अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है। ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, लेकिन ये मिल करके होगा उस परिवर्तन को आगे करने के लिए। यात्रा अनवरत बनी रहनी चाहिए, थमनी नहीं चाहिए, क्योंकि वे प्रत्यक्ष रूप से और छप रूप से भी लोग फिर से आकर के हावी होने का प्रयास करेंगे। हमने पहली सूची देखी होगी इन लोगों की, जब प्रत्याशियों की पहली सूची आई, उस पहली सूची में कौन कौन से चेहरे थे? वही चेहरे थे। देखा हो अभी प्रत्याशा तय नहीं रही कि अभी धमकाने लग गए कि सरकार में आने दीजिए, हम देखेंगे। मैंने कहा चिंता मत करो, 10 मार्च के बाद भी हम ही आएंगे और गर्मी के साथ। यानी अभी सत्ता से कोसों दूर है, कहीं अता पता नहीं, लेकिन जैसे उनको लगा कि प्रत्याशा का मतलब सब कुछ हो गया है, हमने कभी कभी नहीं होने वाला है, अरे तुम्हें कयामत के दिन तक ये सत्ता नहीं मिलने वाली है। और इसलिए आज मैं आपके बीच में आया हूं। मुझे तो पूरे प्रदेश के अंदर पार्टी के प्रत्याशियों के प्रचार में लगना होगा, और ये प्रबुद्ध जनों को गोरखपुर के जनता के हवाले इस चुनाव को मैं सौंपता हूं। तो मैं आज के अवसर पर रविंद्र श्रीवास्तव जी को, डॉक्टर आरपी त्रिपाठी जी को, अपने जितने भी हमारे यहां पर प्रबुद्ध जन बैठे हुए हैं, क्योंकि कोई भी मेरे लिए अपरिचित नहीं है, यहां पर भी वहां पर भी, और मैं इस बात को हमेशा, मुझे हमेशा इस बात की चिंता रहती है कि विकास का अभियान हो या फिर गोरखपुर या प्रदेश के सम्मान का, कहीं भी हम उसको रुकने नहीं देंगे और उसको झुकने भी। उस निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार अपनी स्पीड को उसी क्रम के साथ आगे बढ़ाता रहे, और इसलिए आप सब इस अभियान का हिस्सा बने, यही मेरी आप सब से, मुझे लगता है कि मैं आपसे अपील भी नहीं कर सकता, क्योंकि आप सब अपने हैं, आप सब उस अभियान के साथ जुड़ करके इस कार्यक्रम को अपनाएंगे, यही विश्वास व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जिंदाबाद। जिंदाबाद। जिंदाबाद।